हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और एक वीडियो में आप लोगों का करती हूँ मैं दिल से स्वागतम। और आज हम क्या दिखाएंगे, ब्लॉगिंग दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? अभी मैं तो रेडी हो गई, तैयार हो गई, कहीं जा रही हूँ। मतलब राम भी रेडी हो रहा है, राम कितना घर नहीं ले जाएंगे, राम कितना घर में रहेगी, बहुत दिन राम कितना घर में रहेगी। और राम भी रेडी हो रहा है और हम जाते हैं घूमने के लिए। घूमने नहीं, एक्चुअली कहीं जाएंगे, तो रास्ते का व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। और मेरी बालों में कलर, मस्त वाला कलर आ गया है। और ये टी शर्ट उस दिन मैंने ला के दिया था, कपड़ा मस्त है, ये टी शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा है। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, इनका फ़ोन भी बज गया, एनी टाइम ये फ़ोन पे पे करके बजता रहता है। तो गाइस मैं रेडी हो गया और हम अभी निकलेंगे और रास्ते का व्यू दिखाएंगे। भाई का फोन आ गया। मेरी भाई का फोन आ गया है, तो राम बात कर रहा है और हम भी निकलेंगे, रास्ते का भी दिखाएंगे, तो देखते रहिएगा। देखिए गाइस ये दोनों कैसे रहते हैं, राम गिन्ना और ये राम, ये दोनों बहुत लड़ाई करते रहते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा। फेंक दो बैट में, फेंक दो इसको, फेंक दो। तो ये दोनों ऐसे लड़ाई करते रहते हैं। गाइस मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ आज, अलग तरीके से मैं बना रही हूँ लौकी। ये लौकी की सब्जी मैंने अलग तरीके से बनाया है और अभी रोटी बनाएंगे। रायता, और ये देखिए गाइस रायता, ये है रायता। और हम लोग लस्सी भी बनाया है, फ्रिज में रख गई है रायता। और ये लौकी की सब्जी है ना, मुझे बनाना है अभी रोटी, आटा लगा के रख दिया, ये सब्जी बन के रेडी हो गया। लौकी आज मैंने फ्राई कर लिया है, देखिए सूखा फ्राई कर लिया, मैं जोल जैसा नहीं बनाया, मतलब ग्रेवी नहीं बनाया। कभी कभी ऐसे भी लौकी खा के अच्छा लगता है, और लौकी एकदम नाजुक नाजुक, पूरा ताज़ा ताज़ा लौकी होना चाहिए, तो ऐसे खा के मज़ा आ जाता है। तो ये सब्जी मेरी बन के रेडी हो गया और अभी मैंने बनाती हूँ रोटी। ये आटा लगाया है और सुबह मैंने बनाया था आलू का सब्जी, थोड़ा सा आलू का सब्जी भी है। और ये हो गया, तो मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने की दिखाएँगे। और रोटी का एक मैं रेसिपी डालूँगी, सोच रही हूँ एक दो दिन के अंदर ही अंदर मैंने रोटी का रेसिपी डालेंगे, कैसे आटा लगाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। ये सब्जी रेडी हो गया मेरी और हम रोटी बनाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस देख लीजिए हमारे खाना रेडी हो गया। ये है आलू का सब्जी, रायता, ये है लौकी की सब्जी, मिर्ची, ये पुदीना की चटनी। पुदीने की चटनी में मैं एक चीज़ डाला, वो अभी नहीं बताएंगे, जब बना के दिखाऊंगी तब बताएंगे। और ये रोटी, रायता के साथ रोटी खाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग रोटी में आज घी नहीं डाला है। और ये है लस्सी, तो आज का हमारा ये खाना है, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा हमारा आज का कैसा है ये खाना, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। हे गाइस गुड इवनिंग, और अभी टाइम हुआ है 5:30 और आज बहुत ही अच्छा मौसम है, वैसे आप लोगों को दिखाएंगे, इतना अच्छा वेदर है। बारिश आया नहीं है अभी, लेकिन बारिश आने वाला जैसा है, और इतना जोरों से हवा आ रहा है,
मतलब बहुत ही अच्छा वेदर है, एकदम कूल कूल। और मैं भी नहा लिया है इवनिंग में जा दूध लेने के लिए, और भी चाय पिया नहीं है, चाय पी लेंगे। मैं सोचा कि पहले आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ वेदर। ये मेरे बाल ऐसे ये हो रहा है ना, पूरा उड़ रहा है बाल, उसी से आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कितना अच्छा इधर हवा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है हैदराबाद में, और आज अचानक से ऐसा एक वेदर आया ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एकदम मौसम बोलते हैं ना, सुहाना मौसम है, तो ऐसे मौसम सुहाना हो गया है। और मेरे बालों का कलर और ये इसका कलर थोड़ा बहुत मिल रहा है कुर्ती का, थोड़ा लग रहा है ना ब्राउन ब्राउन जैसा कलर, तो अच्छा लग रहा है कुर्ती। और ये नया कुर्ती है मेरी, और ये बाल और कुर्ती का कलर थोड़ा सेम सेम लग रहा है। और देखिएगा इस कितना अच्छा हवा है, ये नारियल का पेड़ कितना अच्छे से ये हो रहा है, और धूप नहीं है अभी तो इस टाइम 5:30 बजे, तो कितना ज़्यादा धूप रहता है हैदराबाद में। जो हैदराबाद में रहता है उन लोगों को मालूम है। देखिए पेड़ पौधा कितना हिल रहा है, अभी बारिश आए तो अच्छा है, अगर ज़्यादा ऐसे अगर ये हो जाएगा हवा आते रहेगा तो बारिश तो नहीं आएगा शायद, कल रात को बारिश आया था। देखिए कितना मस्त है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो एकदम पूरा ठंडा ठंडा वेदर है, अच्छा लगता है इसे, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे हवा आने से एक आम भी गिर गया है नीचे, देखिए ये नीचे एक आम गिर गया है हवा आने से। और ये आंटी लगा है जीका तुरई का सब्जी, ये तुरई का सब्जी लगाया है, और सिक्कू एक दो लगा हुआ है। मौसम बोले बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा वेदर हो तो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहता है ना इसीलिए अच्छा लगता है। और मंदिर आज रामगिन्ना इस मंदिर में गया था सुबह, मैं तो नहीं गया, मैं जाएंगे, जब जाएंगे वीडियो बना लेंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस मंदिर का। तो अभी चाय बनाएंगे रामगिन्ना आने के बाद, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। और गैस देख लीजिए ये है दूध उबाल रही हूँ, रामगिन्ना दूध लाने के लिए गया था ना तो दूध लेके आया, और पहले का ही दूध था मैंने, उस दूध से मैंने चाय बना रही थी। और ये मसाला वाला चाय, कभी कभी हम लोगों मन करता है ना मसाला चाय पीने के लिए, और ठंडा ठंडा मौसम है इसीलिए मैं सोचा कि मसाला चाय बनाऊँ, और इसीलिए बना लिया है। और आप लोगों को मसाला चाय पसंद है या नहीं, इसमें मैंने अदरक डाला, इलायची डाला और काली मिर्च डाला पाउडर, तो ऐसे मसाला चाय बना लिया है। और ऐसे तो मसाला से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम पी सकते हैं तो ये अच्छा लगता है। कभी कभी जिस लोगों को चाय का ये रहता है, आदत रहता है, उन लोगों को अच्छा लगता है। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। और ये बच्ची का उस दिन मैंने बर्थडे का वीडियो डाला था, फ़ोटो भी डाला, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। इसका तो वीडियो फ़ोटो जब डाला था कमेंट सेक्शन ऑफ था, तो बहुत लोगों ने देखा है वीडियो लेकिन कमेंट नहीं कर पाते, तो कमेंट सेक्शन ऑफ होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस।